हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI बैरिस्टर गुहर अली खान ने इंस्पेक्टर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात की बात करने की तरदीद करते हुए कहा है कि हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गुहर अली खान ने कहा है कि बतौर अपोजिशन जमात हमारी स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातें होती रहती हैं। हमारे मुलाकातें ओपन और असम्बली अमूर चलाने या अपोजिशन के पार्लिमानी अमूर से मुतल्लिक होती हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हमने कभी किसी मुलाकात में स्पीकर से मुज़ाकरात की बात नहीं की, ना ऐसा इरादा है। बलोचिस्तान में बारिशों से तबाही, लेवीज चेक पोस्ट सैलाबी रेले में बह गई, तारीखी रेलवे टनल तबाह। तूफानी बारिशों के बाइस से सूबे के कई इलाकों में मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विसेज और बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। हकाम ने बलाई इलाकों में लेवीज वायरलेस सिस्टम के जरिए राब्तों की कोशिश की। चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और ज्यारत में सैलाब से बागात और फसलों को नुकसान पहुँचा है। चारों इलाकों में कई किलोमीटर सड़कें, पुल और मुतअद्दिद घर रेलों में बह गए। हादसे में एक बच्चा जान बहक गया। तूफान इस्ना से मुतालिक नया अलर्ट जारी। 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 12 घंटों के दौरान समुद्री तूफान मजीद जनूब मगरब के जानिब बढ़ा है। महकमा मौसमियात ने बताया है कि ये तूफान कराची के जनूब मगरब से 500 किलोमीटर के फासले पर है और माड़ा के जनूब और जनूब मशरक से 350 और ग्वातर के जनूब मशरक से 260 किलोमीटर दूर है। महकमा मौसमियात ने यह भी बताया है कि इस दौरान तूफान इस्ना में 60 से 70 किलोमीटर के फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। IPP मालकान को तहकीकती कमेटी में तलब करने से मुतालिक खबरें बेबुनियाद करार। पावर डिवीजन के एलामिया के मुताबिक तहकीकती कमेटी का IPP मालकान की तलबी के हवाले से चलने वाली खबरों में सदाकत नहीं। हकाम ने वाजे किया है कि IPP के मालकान को तहकीकती कमेटी में तलब नहीं किया गया। वाजे रहे के बाद TV चैनल्स पर खबरें गर्दिश कर रही थी कि 13 IPP मालकान को कल इस्लामाबाद तलब किया गया है, जबकि IPP मालकान को फाइनेंशियल रिपोर्ट से भी हमरा लाने की हिदायत की गई है।